पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले, सब्सक्राइब करें NS Now। आचार संहिता से पहले ही सरकार ने गंभीरता से इस विषय को लेकर इसका निराकरण किया है। जल्द ही हमारे सारे भाइयों को एक अच्छी खबर मिलने की संभावना है कि उनकी समस्याओं को लेकर सरकार ने निदान कर दिया है। नमस्कार, सुनाओ, देख रहे हैं आप और शिक्षा मित्रों को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे बलरामपुर से आ रही है, जहां पर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सुपौत्री जो हैं अंजलि मिश्रा, उन्होंने शिक्षा मित्रों का शीघ्र होगा समाधान, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का आभार व्यक्त किया है अपने फेसबुक पर। तो ये आप उनकी पोस्ट देख सकते हैं जहाँ पर उन्होंने लिखा है, स्पष्ट लिखा है कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं का शीघ्र समाधान होगा और इसके लिए उन्होंने मोदी और योगी जी को, दोनों लोगों को आभार प्रकट किया है। इसके साथ ही हम बताएं, इसकी जानकारी खुद उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की तरफ से भी सामने आ गई है। जिला मीडिया प्रभारी बलरामपुर पिंकू श्रीवास्तव ने बताया कि आज दिनांक 2/3/2024 को प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ जनपद बलरामपुर के पदाधिकारियों द्वारा बलरामपुर के भावी सांसद स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सुपौत्री श्रीमती अंजलि मिश्रा जी से शिष्टाचार मुलाकात कर अपनी समस्याएं बताएं, जिस पर सांसद महोदया द्वारा सकारात्मक जवाब दिया गया। उन्होंने बताया कि आचार संहिता से पहले ही आपको हमारी सरकार खुशियाँ देने वाली है। जी हाँ, आपका काम अंतिम पड़ाव पर है, मुलाकात करने में जिलाध्यक्ष अशोक उपाध्याय आदि लोग उपस्थित रहे। और आइए आपको वो वीडियो दिखाते हैं जो खुद उन्होंने अपने फेसबुक पेज पे अपलोड किया है और खुद लिखा है कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान होने जा रहा है, आइए देखते हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय से हम लोगों का निवेदन है कि शिक्षा मित्र काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं और संघर्षरत भी हैं। इनकी जो प्रमुख मांगें हैं, सरकार चुनाव से पहले अगर उनको कर दे तो हम लोग उनके बहुत आभारी रहेंगे। हमारी प्रमुख मांग है शिक्षा मित्रों का अस्थायीकरण। अगर अस्थायीकरण नहीं होता है तब तक उनको समान का समान वेतन दिया जाए। हम सरकार के प्रति काफ़ी वफादार हैं और हम लोग काफ़ी दिनों से संघर्षरत भी हैं। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम लोगों की मांगे मान ली जाए। धन्यवाद। हमारी प्रमुख मांगे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार से, कि सभी पूरे प्रदेश के लगभग 1.5 लाख शिक्षा मित्रों का अस्थाई समाधान किया जाए, या किसी कारणवश जब तक अस्थाई समाधान सरकार नहीं कर पाती है तब तक सभी शिक्षा मित्रों को समान का समान वेतन सरकार कर दे। मैं सरकार का पूरी जीवन आभारी रहूंगा। योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी से, सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि सभी शिक्षा मित्रों का आप कल्याण कर दें। सभी लोग बहुत पीड़ित हैं, इसलिए कि सभी की उम्र लगभग 40+ है, सभी के बच्चे या बच्चियां बड़ी बड़ी हो गई हैं और सबकी मतलब शादी भी सभी करने के योग हो गए हैं और साथ साथ माँ बाप भी हैं, बूढ़े हो गए हैं। 10,000 में इतनी महंगाई में हम लोगों का जीवन यापन सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है, इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है कि चुनाव के आचार संहिता लगने से पहले हम लोगों का अस्थाई समाधान कर दें। मैं जीवन भर सरकार का ऋणी रहूंगा। धन्यवाद। शिक्षा मित्रों को लेके कई समय से ये समस्या थी और इसके तहत कई बार मेरे भाई आकर मुझसे मिले और बहुत समय से लगातार मैं प्रयासरत थी कि इनकी समस्याओं का निराकरण हो सके, पर ये एक अच्छी खबर है कि आचार संहिता से पहले ही सरकार ने गंभीरता से इस विषय को लेकर इसका निराकरण किया है। इसके लिए आभार व्यक्त करती हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी का कि उन्होंने इस विषय की गंभीरता को समझा और इस समस्या के निदान के लिए, जो कि बहुत समय से चली आ रही थी, प्रयास किया और जल्द ही हमारे सारे भाइयों को एक अच्छी खबर मिलने की संभावना है कि उनकी समस्याओं को लेकर सरकार ने
निदान कर दिया है और कई अच्छी खबर आपको जल्दी मिलेगी।